तो अधिकारी क्या कहते हैं, क्योंकि तमाम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन डालने के बाद, मिलने के लिए आवेदन डालने के बाद मीडिया कर्मियों से अब तक शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी मिलने को राजी नहीं है, और इसके पीछे की वजह क्या लगती है? आइए पहले हम आपको प्रक्रिया समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जब अभ्यर्थी मिलने जाते हैं तो अधिकारियों के द्वारा किस तरीके का बर्ताव किया जाता है, क्या आश्वासन दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? आप लोगों की मुलाकात क्या हुई थी अधिकारियों से? जी जी, आज माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार सर से आज मुलाकात हुई। हम लोग 5 लोग गए थे डेलीगेशन टीम में, खान सर के द्वारा ले गया गया था। खान सर के द्वारा? खान सर जो अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो वो जो आकर के ले जाते हैं डेलीगेशन, ले जाते हैं आंदोलन का, वो खान सर, ना कि वो अपना खान सर वो टीचर नहीं, नहीं नहीं इसीलिए थोड़ा हम भी चौंक। नहीं नहीं, वो खान सर नहीं, खान सर जो पटना के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, वो खान सर। तो वहाँ मुलाकात हुई, मुलाकात के दौरान हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा। उन्होंने कहा कि सरकार से कुछ गलतियाँ हुई है, सरकार ने अपना वीक डिसीजन लिया है, उस वीक डिसीजन में तुम लोग का पक्ष बहुत ही मजबूत है, ठीक है, लेकिन सरकार ने अब निर्णय ली है तो उस चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हमने कहा कि आखिर कैसे नहीं हो सकता, विज्ञापन में बदलाव कैसे संभव है? उन्हें कहा कि हाँ ये बात भी सही है, विज्ञापन में बदलाव नहीं, लेकिन सरकार ने डिसीजन ली है तो इस चीज को मानना पड़ेगा। हमने कहा कि क्या सरकार बार बार ऐसे ही डिसीजन लेते रहेगी? सचिवालय के अंदर 4-5 लोग बैठ करके डिसीजन लेंगे और बार बार नियम और कानून को बदलते रहेंगे? तब तो अभी आप 37,000, उन्होंने माना कि इस पात्रता परीक्षा है एसटीटी। मैंने कहा बिल्कुल एसटीटी पात्रता परीक्षा है, चलिए ठीक है, लेकिन पात्र कौन है? जो सीट आपने दर्शाया है उस सीट के अनुसार 37,000 ही पात्र है, तो 80,000 को सर्टिफिकेट क्यों बांटा? उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ 80,000 को सर्टिफिकेट बांटना एक कहीं ना कहीं गलती है, वीक डिसीजन है सरकार। हमने कहा ठीक है, तब बातें आई कि अब सरकार का डिसीजन है तो हम कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने कहा क्या सरकार बार बार ऐसे ही डिसीजन लेते रहेगी? तब तो आपने उसे भी सर्टिफिकेट बांटा है जो फेल कर गए हैं, तो एक बार सरकार बैठ करके यह भी कर दे कि कभी सरकार यह भी कर दे सरकार यह भी कर दे कि जो फेल कर गया है उसे भी पास कर दीजिए। हंस रहे, सीधी सीधी बात यही है कि नोटिफिकेशन का सीधा सीधा बदलाव नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय है तो अन्याय को न्याय कहाँ मिलता है? जुडिशियरी में, तो आप जुडिशियरी जाइए। मेरा यह चक्कर लगा लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल उनका यही स्पष्ट करना है, हम नहीं कुछ करेंगे, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए, अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि कोर्ट ही यदि सब कुछ है तो सरकार के अंदर, सचिवालय के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर बैठे हुए अधिकारी क्या बार बार गलत निर्णय लेते रहेंगे? निर्णय ऐसी होगी जिसे आम अभ्यर्थी जो रात दिन 11th पास किया, 12th पास किया, बीएड किया, ग्रेजुएशन किया, कोई पीएचडी किया, और उसके बाद हम लोग कोर्ट का चक्कर लगाते रहे और गलत निर्णय आप लेते रहिएगा। इसलिए आंदोलन एक और रास्ता, आंदोलन से भीतंत्र के दबाव में आकर ही हम लोग के खिलाफ साजिशें रची गई है। 26 जून का लेटर आया है, तो जब भीतंत्र के दबाव में ऐसा आया है तो हम लोग भीतंत्र करते रहेंगे, सरकार को बार बार चैलेंज करते रहेंगे कि आप गलत डिसीजन मत लो, गलत डिसीजन मत। क्या लगता है कि सरकार में उच्च पदों पर जो लोग विराजमान है, शिक्षा मंत्री तो सब कुछ जानते हैं, मुख्यमंत्री तक यह बातें गई है कि नहीं गई? बिल्कुल, आज मनोज सर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपकी जो बातें हैं ऐसा नहीं है कि केवल मैं जान रहा हूँ, आपकी बातें नीतीश कुमार जान रहे हैं, आपकी बातें शिक्षा विभाग जान रहे हैं, तमाम मंत्री गण मान रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए कहाँ कुछ हो रहा है, क्योंकि सरकार का डिसीजन। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि क्या सरकार सचिवालय और विभाग के अंदर बैठ करके गलत डिसीजन लेते रहेगी? हम लोग की जिंदगी आम है, हम लोग क्या करें? सीधा फांसी दे दो हम लोगों को। 37,000 सीट में 30,675 मेरिट में आया और उसके बाद गलत निर्णय लेकर के आप लोग हम लोग के साथ खेल खेल रहे हैं। जब सब कुछ जान रहा है तो न्याय क्यों नहीं, कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाए? हम कोर्ट यही करेगी क्या? पिछले 1 सालों से रिट दिया हुआ है, नंबरिंग में नहीं आता, मेंशन नहीं होता, कोर्ट में दारू वाला केस सुना जा रहा है, हम लोग शिक्षा पे बात नहीं होती, क्या यही होगा? बहालियों को लटकाने के लिए क्या हर बहाली कोर्ट का दरवाजा खटखटाती रहेगी? तो फिर ये जो अधिकारी बैठे हैं ये सब के सब नल्ले हैं क्या? सवाल यह भी बनता है अपने आप में। अब भावुक मत होइए, लड़ाई ही महज एक है आधार और कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग लड़ते रहेंगे, संविधान के अनुसार आप लोग लड़ते रहिए। बिल्कुल यही बोल रहे हैं कि आखिर विभाग गलती क्यों करती है?
क्यों गलती की? जब तुम जान रहा था कि 37,000 को ही पास करना है, 37,000 को ही मेरिट में लाना है, 37,000 को ही पात्र करना है, तो 80,000 को कैसे पात्र कर दिया गया? जेल जाने के लिए तैयार रहिए। और यही यदि करना है तो हनुमान मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखमंगे को शिक्षक बना दो, भिखमंगे को शिक्षक बना दो जो